अंदर अंदर घुसी जा रहा है। बुरहान गिर कर गिर जाकर तो चोट लगेगी। वो देखो डैड कितनी आगे चले गए। चल मैं जा रही हूँ, तू जा यहाँ पे। It was a perfect day for hiking, so we decided to go on hiking with kids. It was not that sunny and not a rainy day, so it was a bit of cloudy day, so we decided that it's the best day to go to hiking. We were almost there, but I wanted to show you these houses. Look at them, they were so big. Some of them were so old, but most of them were very beautiful, big houses. Their backyards and front yards were also so, so big. No, it cuts down trees. And you can see that there were so many trees. बच्चों को अपने साथ हाइकिंग पे। ये एक पार्क है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं। यहाँ पे बच्चों को हम लाएँ ताकि वो ज़रा वॉक करें और वो थकें। थोड़ी सी छोटी सी हम पिकनिक करेंगे यहाँ पे। कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो अब हम चल रहे हैं ट्रेल पे। काफ़ी लंबी ट्रेल है, काफ़ी देर चलना पड़ेगा। आज से मैं अपने वीलॉग्स के दरमियान में उर्दू ही बोला करूँगी, उर्दू में वीलॉग्स करूँगी, क्योंकि इंग्लिश में वीलॉग्स करने का मुझे मज़ा नहीं आता। इसलिए रिव्यू वीडियोस वगैरह इंग्लिश में बनाऊँगी, लेकिन जो वीलॉग्स हैं जिनमें बातें करनी होती हैं उनमें मैं उर्दू में बात किया करूँगी। साथ में स्ट्रोलर भी लिया हुआ है ताकि मोमिन स्ट्रोलर में है और असर स्ट्रोलर में बैठना चाह नहीं चाहता। वो कहता है मैंने वॉक करनी है, तो लेकिन थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा और फिर खुद ही स्ट्रोलर में बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा आगे जाके आपको दोबारा दिखाते हैं। Stay tuned। ये छोटी सी वाटरफॉल यहाँ पे, हम आगे ऊपर इसी तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर चल के हम आ गए हैं लेक के पास। ये है लेक, यहाँ पे लोग वॉक करके आते हैं, यहाँ बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर वापस से ले जाते हैं इन्हीं ट्रेल्स पे। वाटर किधर है? वाटर इतना ज्यादा वाटर है। इधर से यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर हैं। यहाँ से हम जाएंगे आगे से घूम के, वहाँ से वॉक करके। ये आपको छोटी सी जगह नजर आ रही होगी कुएं, यहाँ पर हम आएंगे और फिर हम अपना जो भी हम लंच लाए हैं लंच करेंगे, लेकिन पहले लंबा सा चक्कर काट कर हम वहाँ जाएंगे ताकि बच्चे जरा थक जाएं। लेट्स स्टार्ट, चलो आ जाओ चले। इधर नहीं, हमने लंबा चक्कर काटना है ना, ताकि आप लोग थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाओ। वॉक करने आए हैं जोहर। वॉक अच्छी है। ऐसे ट्रेल्स पे आना, वॉक करना, ऐसे पिकनिक्स प्लान करना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं। इवन हमने मस्कीटो स्प्रे लगाया है फिर भी मच्छर पीछा ही नहीं छोड़े। यहाँ पे हम अचानक से, हमें महसूस हुआ कि कोई जानवर है। जब हमने गौर किया तो दूर ये एक हिरन खड़ा था और फिर हम आराम से रुक कर खड़े हो गए। वो एक्चुअली हमारी तरफ देख रहा था और हम उस हिरन की तरफ देख रहे थे। काफ़ी देर तक, कुछ मिनट्स तक वो हमें देखता रहा और हम उसे देखते रहे। फिर आखिरकार हम आगे चल पड़े और वो भी पीछे जंगलों की तरफ, दरख्तों की तरफ भाग गया।
इस बच्चे को चैन नहीं आ रहा, ये अंदर ही अंदर घुसी जा रहा है। बुरहान गिर जाके तो चोट लगेगी। वो देखो डैड कितनी आगे चले गए हैं। चल मैं जा रही हूँ, तू रह यहाँ पे। मोमिन मोमिन मोमिन, आप हमारे साथ चल रहे हो, हमारे साथ तो आप। सर आगे चलो 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 आगे। फिर आखिरकार हमें एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे मच्छर कम थे, इसलिए दरख्त के नीचे ये टेबल था। यहाँ पर हम फिर बैठ गए, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर मच्छर नहीं थे, शायद दरख्त की वजह से या फिर किसी और वजह से। लेकिन यहाँ पर हमने पुरसकून जगह पर आराम से बैठकर जो हम सैंडविचेस वगैरह फ्रूट्स लेकर गए थे वो हमने खाए, और आसपास लोग भी थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वहाँ पे बैठ के खाना खाने। बच्चे भी काफ़ी थक गए थे इसलिए उन्होंने भी आराम से बैठकर खाना खाया। और फाइनली ये वो जगह है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, ये वो कुएं है जो दूर से हमने वॉक करते हुए ट्रेल्स पे से गुजरते हुए इस जगह पे जाना था। तो ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज थी वो इतनी सेफ नहीं थी, लेकिन फिर अब आए थे तो थोड़ा गुजर बैठना तो पड़ना था, इसलिए थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, 10-15 मिनट वहाँ पर बैठे, बच्चों को ज़रा सीन इंजॉय करने दिया। लेकिन चूंकि मुझे बहुत अनसेफ लग रहा था इसलिए मैं जल्दी वहाँ से लेकर बच्चों को उठ गई कि यहाँ से चलें, ये मुझे अच्छी जगह नहीं लग रही। और फिर हम फाइनली घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।